Yeah, इसमें है जो जो स्पीड गवर्नमेंट का कार्ड हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला जो एक कंपनी भी है कि नहीं चल रहा है। आज जो यहाँ पर मीटिंग हुई है कि हम लगाने उसके मतलब खिलाफ नहीं, लेकिन स्पीड गवर्नर लगाने के लिए जो वसात हमें चाहिए, जो हमें वो मुदा चाहिए, जो मुराद चाहिए, रोड बाकी चीज, तो मुझे सबसे पहले बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये कश्मीर है, ये डिस्टर्ब हो जाए। दूसरी बात, यहाँ बर्फबारी होती है चार महीने, यहाँ हर दिन बंद होता है। आप साउथ में देखिए, मेरी गाड़ियाँ वहाँ पर महीने में चार दिन चलती है। स्पीड गवर्नर का मतलब क्या है? भले और स्पीड गवर्नर लगाए, जो पंप होता है ये किसी इंजीनियर से पूछे, ये जो पंप होता है उसमें ऑलरेडी स्पीड गवर्नर का लगा होता है, जो स्पीड कम वो स्पीड ज्यादा रखनी पड़ती है। हमने बार बार पूछ, हमने बार बार मुलाकात करके ये बताया कि जो जो नई गाड़ियां आया उसमें आप फिक्स कर लीजिए, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं, 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं, उनमें मत लगाइए। गणेश परमिट से कहाँ ये लगाएंगे, क्यों ये आप हम पे बोझ डाला जा रहा है? ऑलरेडी हम खत्म हो चुके हैं इंश्योरेंस से, इनके काले कानून से आप 50 रुपए जुर्माना भरो, हर चीज भरो, ऑलरेडी हम इस चीज से डिस्ट्रॉय, पूरा ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन आप थोड़ी बहुत जान रहेंगे वो भी निकालने की कोशिश करें। हम आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, गवर्नर साहब से, उनके जो मशीन है, जो काम करते हैं, उनके नेतृत्व में काम करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि अगर ये स्पीड पर लगाने, इसमें एक माफिया ग्रुप बनाए जो हर रेट अपने हिसाब से दे। और जहां तक मेरा अंदेशा है, जहां तक हम ट्रांसपोर्ट इसमें कमीशन ऊपर से लेकर नीचे, क्योंकि दिल्ली में 1100 का मिल रहा है, हमें दबाव डाला जा रहा है, हमें फिटनेस नहीं की जा रही है गाड़ियों में, क्या आपने लगा है? पर लगा रहे हमें मौका दीजिए, किससे लगाए तो लगाए क्यों? रोड कौन सा रोड है? सिंगल रोड है, सिंगल। आप 3 घंटे लगते हैं हमें यहाँ सिलेगे तक, जाम स्थिति, प्राइवेट गाड़ी को पूछा आ चुका है, फ्लड आ चुका है गाड़ी का यहाँ, तब भी आप लगे। पहले हम नहीं लगाने के लिए वो रूट्स है, डबल वे कीजिए, वैसे मुराद पूरा पूरा कीजिए ट्रांसपोर्ट, तो उसके बाद हम, तब तक हम नहीं लगाएंगे। हम गवर्नमेंट साहब से अपील करते हैं कि इस पर फौरन एक कमेटी बिठाए जाए कि ये कितने का आता है, हमें क्यों दबाव, हमें क्यों दबाया जा रहा है, हमें क्यों जुल्म किया जा रहा है, हमें क्यों ये कोशिश की जा रही है कि आपकी गाड़ी की फिटनेस, मुझे एक बात बताइए, फिटनेस और गवर्नमेंट जो लगाना है स्पीड गवर्नमेंट, उसका रिलेटेड क्या है? स्पीड गवर्नमेंट अलग है, फिटनेस अलग है, फिटनेस गाड़ी का, स्पीड वाला लगाना, स्पीड कम करना, ये चालान भी कर सकते थे अगर हमें, अगर इनको ज्यादा ही जुल्म करना है, लेकिन ये बताइए फिटनेस क्यों नहीं हो रही है? हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, फिटनेस हो जाए, उसके बाद हमें मौका दिया जाए, हमें 3-4 महीने मिले, हम इस पर बात करें, हमारे साथ बात की जाए। अगर ऐसा नहीं हो तो दूसरी मीटिंग जो होगी, इंशाल्लाह आज आपने देखा कैसे ट्रांसपोर्ट जो प्रेजेंस है कितने वायलेट हो चुके हैं, तो आएगा हम ऐसा लायामल करेंगे जिससे शायद गवर्नमेंट को काफी परेशानी होगी। हम उनसे आगाह करते हैं, इस वक्त आगाह करते हैं, इस मीटिंग के माध्यम से, आपके माध्यम से आगाह करते हैं कि वो ऐसा कानून हम पर लागू ना करें, पहले इन्वेस्टिगेशन करें, वो चीजें देखें क्या ये जरूरी है। पहाड़ रोड है, पहाड़ जैसे ट्रक को चढ़ा है, सब कंट्रोल उसमें चढ़ा चढ़ेगी गाड़ी, नजर को फायदा पहुंचाए, इस पर फौरन रोक लगा जाए, अदरवाइज ऐसा ना हो कि हम हड़ताल पर हड़ताल ही करें।